बुकिश नॉलेज लौटे नॉलेज तो हम इंस्टीट्यूशन में फैमिली में तो इस एनवायरमेंट से करिए ये जो प्रयोग है अनुप्रयोग है क्रियाएं हैं ये सब शुरू तो बात बड़ी छोटी छोटी है तो ये छोटी बात को जब हम आगे ले जाएंगे इस ढंग से तो अपने को ये ध्यान में आएगी सारी की सारी बात है कि इन सारी के सारी बातों पर जब हमने शरीर की बात की अन्य कोष की बात की तो उसमें पांच इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां अब उसके व्यक्तित्व अब पढ़ाते समय व्यक्ति कान से सुनता है तो इतना सुनता है कि जो वो सुनता है उसको आत्मसात कर देता है नहीं तो सुनते तो सारे हैं तो ये जो इंद्री है सुनने की जिसको लिसनिंग पावर कहेंगे हम लिसनिंग स्किल कहेंगे इसके लिए हमारे पास क्या प्रयोग है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं या कहीं से भी किसी मत नहीं तो क्या होता है बड़े लच्छेदार भाषण होते हैं हमारे अटल जी तो भाषण के बड़े माहिर थे अटल जी की सभा में कोई आंख झपकता नहीं था हमने भी कई सभाएं उनकी सुनी है तो अटल जी का भाषण ऐसा था पार्लियामेंट के अंदर भी और पब्लिकली भी कि व्यक्ति विरोधी भी एकदम से खड़ा रहता था उसका और तालियां इतनी बार बजती थी और ऐसे बहुत सारे भाषण ऐसे हैं घंटे घंटे के दो दो घंटे के लेकिन उसके बाद उस ऑडियंस से दो घंटे बाद पूछो कर कैसी सभा थी सर बहुत अच्छी थी बहुत ही बढ़िया कमाल कर दिया अरे किया क्या कमाल आ गया उसमें तो आप देखेंगे 5% लोग भी उस बात को बता नहीं पाए अभी चंडीगढ़ में बाई चांस की मीटिंग थी सेंटी बीसी आयोग की हरियाणा और पंजाब मैं उसमें था बुरा मत मानना किसी को लगे कि नहीं वैसे रेफरेंस को देखता नहीं आप अलग से ना लगे आप तो इनके विषय पर बोलना ये लिसनिंग के ऊपर निर्भर करता है कि मैंने उस विषय को ठीक सुना तभी उसका उत्तर ठीक दिशा में दे पाएंगे ना या उत्तर देने के लिए उत्तर देना है उत्तर देने के लिए उत्तर देने के शब्दों में और उस विषय के संदर्भ में उत्तर देने में देर रात का अंतर है तो ये जो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां है इनका विकास कैसे हो उसके लिए बहुत सारी गतिविधियां चलाना पड़ता है सुनने के लिए है क्रियाओं के लिए है तो एक तो मुझे इस विषय को इस ढंग से रखना था दूसरा अब जब शरीर के पोषण की बात आ रही थी अब बैलेंस डाइट है हम सभी को पता है बैलेंस डाइट मैं चंडीगढ़ में घर में गया तो उन्होंने रसोई में एक चार्ट बताया लोग कैसा कह सकते तो उन्होंने मेन्यू लिख कर बताया मैंने कहा ये तो बुद्ध वाला काम किया हमने तो घर थोड़ी छोड़ा है तो कहता था यार टेंशन ऐसा रहता है एक तो डाइट बैलेंस्ड है एक बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या बनाना है ना तो श्रीमती को मुश्किल आती है ना चॉइस किसी की कोई समस्या खड़ी होती है बड़ा साउथ और बढ़िया बढ़िया है मेरा ये कहना है क्या खाना क्या नहीं खाना ये गतिविधि बन सकती है कि नहीं बन सकती है क्या कॉलेज के अंदर महीने के अंदर एक ऐसा पीरियड हो सकता है जिसमें सभी कुकिंग करेंगे और कुकिंग महिलाएं क्यों करेंगे पुरुष क्यों नहीं करेगा कुकिंग को महिला का सर्टिफिकेट है कि उसी ने करनी है पुरुष का नहीं है घर के अंदर ऐसा क्यों नहीं वातावरण बने कि हम मिलकर काम करें तो ये जो एक नेचर ऑफ वर्क है और काम करने की सीख है तो ऐसा इसके बारे में जानकारी देना और फिर उसके स्वास्थ्य के बारे में क्या लाभ है जब तक ये सारी जानकारी नहीं थी ये गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं स्वच्छता है स्वच्छता एक ऐसा काम है स्वच्छता कभी की नहीं जाती इस कैंपस के अंदर 100 employees भी रखते हैं स्वच्छता के लिए स्वच्छता कभी स्वच्छता हमेशा क्या की जाती है की नहीं जाती स्वच्छता रखी जाती है तो स्वच्छता कैसे रखना ये क्या क्लासरूम के अंदर काम हो सकता है हर व्यक्ति को उस क्लास के अंदर स्वच्छता का इंचार्ज एक बनाया जा सकता है कैंपस के लिए बनाया जा सकता है और धीरे धीरे हम सबका स्वभाव बन जाए तो स्वच्छता जो है क्योंकि उस गंदगी झाड़ू लगाकर गंदगी को कहीं डंप करने का मतलब गंदगी बखेरना सफाई करना नहीं उसका हम कहते हैं हमने सफाई कर दी अरे गंदगी को बिखेरा है यहाँ से उठाया और सोच लिया था फेंका तो ऐसा है कि क्या कैंपस के अंदर यहीं पर उस गंदगी को डिसॉल्व करने के लिए न
गंदी गंदगी बाहर क्यों जाए? तो गमला उसको डीकम्पोज करके, उसको बर्मी कम्पोज करके उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं? ये शिक्षा का हिस्सा है, तब स्वच्छता रहेगी। स्वच्छता करके नहीं कभी आएगी। तो इंस्टीट्यूशन के अंदर इस गतिविधि को पक्का बनाना, और इससे बच्चा क्या करेगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक हुए चीफ श्री गुरु गोरवलकर, मन की एकाग्रता के लिए मुझे यहाँ पर झाड़ू लगाना है, और झाड़ू के एक जगह से थोड़ा सा रेत रह रहा है, इसका मतलब मेरे मन की एकाग्रता। तो झाड़ू सीखते भी हम केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि मन को एकाग्र करना था तो जिस काम को जब कर रहे हैं पूरे मन योग से करना और 100% करना, ये मन की एकाग्रता का भाव है। बिस्तर लपेटते समय आप तो वेडिंग वगैरह करते नहीं, अगर छोटे से सिल्वर रह जाए तो वो दो बार बहुत अच्छे। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, वहां पढ़ाते थे। और अगर कहीं जिंदगी में खाना खाते समय उनका एक भी एग्जाम्पल ये कि कुछ भी टिपका गिर गया मन के कारण, उनके पाम को मैथमेटिक्स के सॉल्व कर रहे थे, उनके पाम को बिच्छू ने काट दिया, मां दूध का ग्लास रखी, खून कमरे में बह रहा है, उनको खून नहीं दिखाई दे रहा है, ये मन की एकाग्रता है कि वो काम को कर रहे हैं। मां कहती तू क्या कर रहा है, ये हो गया कि खून बह रहा है, तेरे को तो बिच्छू ने काट दिया, क्या अंगूठी को काटा ना, दिमाग को थोड़ी काटा, ये मन की एकाग्रता है, ये अति अभ्यास है। तो इस अभ्यास को जो पत्रिय करेंगे, अब इंटरलिंक्ड और हम बीएड के विद्यार्थी और बीएड को पढ़ाने वाले जो है, तो वो तो सारे के सारे जब हम पढ़ते पढ़ाते थे, जब मैंने भी बीएड की है तो 3 महीने तो पागल ही बन गए, ये फिलोसफी है, ये साइकोलॉजी है, ये मैनेजमेंट है, या ये वो सारे इंटरलिंक्ड है, आपस में कोरिलेशन है एक दूसरे की। यहाँ से पढ़ते पढ़ते 2 महीने पहले तो वहां पहुंच जाना जाकर, अरे वो भी वहां भी ये लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो ये सब्जेक्ट अलग कैसे हो गया? फिर बात में ध्यान आ रहा है बच्चा तो एक ही है, सीखने वाला व्यक्ति तो एक ही है ना, तो उसके विकास के लिए सब है। तो ये अलग अलग पार्ट नहीं है कि सुप्रिया जी हिस्ट्री की है तो वो दूसरे प्रति से काम नहीं चलेगा, वो सारा हिस्ट्री वाले को मैथमेटिक्स के साथ लेना पड़ेगा। यानी कि होलिस्टिक अप्रोच की जो बात की, तो मेरा कहने वाला जब स्वच्छता की बात आती है तो ऐसा ध्यान करके तो उसे आप देखें कि फिर कितने आयाम उस गतिविधि से कितने आयाम होंगे। बात बड़ी छोटी सी है, बात है कि स्वच्छता कर रहे हैं, प्रश्न स्वच्छता है, एक्सरसाइज है, तो उसमें आएगा लोच है, फ्लेक्सीबिलिटी है शरीर के अंदर। तो ये सारे अब सामूहिक व्यायाम सारे इकट्ठे हैं, और सारे इसमें एक शब्द चलता है एक्सरसाइज करने के लिए, अगर यहां से किसी ने कौशन दिया तो वो आज्ञा पालन होगी, और स्वभाव है व्यक्ति का जो आज्ञा पालन करना जानता है वो ही आज्ञा दे सकता है। अब छोटा सा संस्कार जीवन में एक कार्यक्रम से हो गया, और जब सामूहिक प्रार्थना और सामूहिक काम करते हैं कभी व्यक्ति के मन नहीं मिलते, मन कभी नहीं मिलेगा, मन मिलना नहीं चाहिए, मन का भेद होना चाहिए, मन का भेद नहीं होना चाहिए, मन के द्वारा विचार किया हुआ भेद किसका होना चाहिए? मत का, मेरा ये मत है, आपका ये मत है। लेकिन होता क्या, मत के भेद के साथ साथ मन का भेद शुरू हो जाता है। अब व्यायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन के भेद को भी समाप्त कर देती है। तो कहते हैं एक आज्ञा एक क्रिया एक एक्शन, तो इससे आदमी के हाथ और पांव एक होते हैं। अब माना एक बोलने पर दोनों हाथ आगे निकालने, तो सभी ने आगे निकाले, तो ये मन को एक करने का अभ्यास है। तो पहले अगर कदम मिल गए तो मन मिलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कहते पहले किसी के आना जाना उठना बैठना, ये बच्चे की आज न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर बच्चे के लिए बहुत बड़ा संकट है, उसको बड़े बड़े घर, क्योंकि अब तो मकान है ना, घर थोड़ी है, पहले घर होते थे अब मकान होते हैं, मकान 5-5 बेडरूम का मकान है, घर में तो व्यक्ति रहते हैं और रहने वाले कितने हैं, अब एक व्यक्ति के लिए सेपरेट बेड है, आज नानके नहीं को जा सकता क्योंकि उसको स्पेशल रूम नहीं मिलेगा, बाथरूम अलग से नहीं मिलेगा, तो दूसरे का बाथरूम यूज करने का स्वभाव खत्म हो गया, उसके लिए वही चाहिए अलग से। अब ये जो आइसोलेशन है, ये जितने भी अपराध गतियां हैं, जितनी डिप्रेशन है,
जितने इसके अंदर गलत विचार है वो व्यक्ति के अकेले के मन में आते हैं, समूह में नहीं आते। गलत विचार हमेशा व्यक्ति के अकेले के बनते हैं, जब वो ग्रुप में रहता है तो उसके गलत विचार नहीं होते। तो ये जो प्रयोग है करने के, तो उस प्रयोग से सामूहिकता का भाव, इकट्ठे खाना, जो परिवार में एक ही इकट्ठे खाना, ये संस्कार है। सारे ताजा चपाती के लिए चपाती इकट्ठी बना दी, सारे इकट्ठे बैठ गए बच्चे से, तो एटिकेट सीखेगा इस तरह से एक्सरसाइज है। ये शरीर की रचना, तो जो रचना की ये इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन के अंदर घर के अंदर के सारे कार्यक्रम में वो चल सकते हैं। तो इसके अंदर अब रेस्ट बड़ी जरूरी है, अब नींद का अभ्यास करना, ये भी अब आज तो नींद को भी अभ्यास की जरूरत पड़ती है ना, किसी जमाने में तो नींद ऐसे आ जाती थी, आज तो बहुत सारे लोगों को टेबलेट भी लेना पड़ती है, नींद नहीं आती। अब नींद का अभ्यास भी है, पढ़ाई का कोर्स हो गया, 7 घंटे की नींद यदि नहीं है तो व्यक्ति ठीक नहीं रह सकता। अब उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं, कैसा हवादार कमरा चाहिए, कैसा बिस्तर चाहिए, कैसा वो चाहिए, चाहिए सुख के लिए, लेकिन जिस व्यक्ति की नींद पूरी होगी तो ये शारीरिक विकास के लिए प्रक्रिया है। अब इसके लिए वो मेथड्स क्या हैं, वो क्या सिस्टम है, ये भी सारा एक सिस्टम उस ढंग से बन जाता है। विचारों से भी शरीर का विकास है। अब विचार कैसे, प्रेयर के, आप कॉलेज में तो असेंबली बंद है कि है इस कॉलेज के अंदर, क्योंकि कॉलेज लोग है ना, इसके लिए असेंबली की जरूरत नहीं है, प्रेयर की जरूरत तो नहीं है ना कॉलेज के लिए, क्यों, बड़े हो गए, समझदार हो गए, ये नहीं कि सोच ही बदल गए, ये कॉलेज बन गए, महाविद्यालय बन गया, जिसमें ये भाई वो तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक छात्र की जरूरत है, पत्नी कहां से आ गई है, तो क्या कॉलेज के अंदर प्रेयर नहीं हो सकती। तो प्रेयर के अंदर अच्छे विचार बोलना, अच्छी बात रखना, और वैसे भी कहते हैं कि भले के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना और सामूहिक प्रार्थना में दिन और रात का अंतर, व्यक्तिगत प्रार्थना यदि 25% लाभ पहुंचाती है तो सामूहिक प्रार्थना 75% लाभ मिलता है, इन्वायरमेंट बदलता है। तो इस तरह से ऐसे कार्यक्रम विद्यालय और महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के अंदर करना यह आवश्यक है। तो इस तरह से दूसरी बात, क्या हर बच्चे की खेल निश्चित हो सकती है, हर बच्चे की खेल, हर टीचर की अपनी खेल, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर हर व्यक्ति की एक खेल होनी चाहिए। खेल के द्वारा हम जब छोटे थे तो एक खेल खेलते थे, अब खेल खेलना यूं एक सर्कल में बैठना, अपने से पीछे को एक जैसे खो देते थे ऐसे देना, और अगर छुआ नहीं गया, अगर छुआ गया तो उसके पीठ पर मुक्का मारना जोर जोर से, अपने भी खेल ही हो। अब कितना बड़ा संस्कार था उसके, छोटी मोटी डांट डप से फर्क ही नहीं पड़ता था। आज कहते हैं सेंसिटिविटी बढ़ गई, कमेंट नहीं करना किसी को, सेंसिटिविटी बढ़ गई, बुद्धिहीनता हो गई, टॉलरेंस खत्म हो गई, सेंसिटिविटी नहीं है, बड़ा सेंसिटिव है नहीं तो छोटी सी बात नहीं झेल सकता, इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा, कमेंट नहीं देना कोई, नो डाउट नेगेटिव कमेंट नहीं देना चाहिए, उसको पॉजिटिव कमेंट में बदलना चाहिए। लेकिन इस धरातल के ऊपर सैकड़ों परेशानियां हैं, सैकड़ों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो तब हार नहीं जाएगा जिंदगी से व्यक्ति, अगर वो जिंदगी से हार गया तो उसको पढ़ाना कार्य हो, उस पढ़ाई के सर्टिफिकेट से गोल्ड मेडलिस्ट कहे को बनना, अगर वो जिंदगी से हार गया, जिंदगी की मुसीबतों का सामना करते करते हार गया तो वो क्या करना है। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं, प्रत्येक की खेल, प्रत्येक एक्सरसाइज, घर में एक्सरसाइज, इंस्टीट्यूशन में एक्सरसाइज, ये सारी शारीरिक विकास के लिए हम ऐसे कार्यक्रमों को रख सकते हैं। आज खेल है कौन सी है, ज्यादा कंप्यूटराइज खेल है, कंप्यूटराइज गेम नहीं हो सकती जब हरकत नहीं है, और आप हैरान होंगे 5-70 से जब ये शरीर बनाया, तो मैं कभी कभी महिलाओं का, जो तो बच्चे पढ़कर महिलाओं के सम्मेलन में एक बात पूछता हूँ आपके विधान में, ये मैं रूटीन में करता हूँ, मैं इनमें से कोई बात कहूंगा त्रियों की, उसमें से